सिकंदर यसु मसीह का आदर नामे आपको सलाम पहुंचे। जैसा कि आपको पता है कि साहिवाल के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज जियाउल्लाह खान ने एक मासूम क्रिश्चियन 22 साल एहसान को जो साहिवाल का रिहायशी है उसे सजाए मौत और 10,00,000 जुर्माना कर दिया है। ये बड़ा अजीब किस्म का फैसला है और ये फैसला होना भी था क्योंकि फैसला जिसके खिलाफ हुआ वो एक क्रिश्चियन था और उसका जुर्म ये है कि उसने अगस्त के अंदर पिछले साल क्रिश्चियनों के ऊपर जो जुल्म हुआ था, चर्चिज 28 चर्चिज को नजर आतिश किया गया, हज़ारों के करीब बाइबलों को जलाया गया, उस गम को वो देख नहीं सका और मसीही गैरत के पीछे जोश से भरे हुए शख्स ने अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल किया कि ये जो हमारे साथ जो अगर ऐसे काम अगर मुसलमानों के मस्जिदों के साथ या उनकी किताबों के साथ होता तो फिर क्या हाल होता। इस चीज़ के ऊपर इस बंदे को सजा दे दी कि इसने ये शर फैसला है। जो शख्स 45 मिनट तक मस्जिद के अंदर जड़ाला के अंदर ऐलान करता रहा कि निकलो बाहर निकलो क्रिश्चियनों को मार दो और मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, ये शर्मपसंदी नहीं है। इस बंदे को अभी तक कोई सजा नहीं मिली और उस बंदे ने जो गैरत ईमान के साथ उसने सिर्फ ये बात कही तो उसको सजा दे दी गई। देखिए जरा कंपैरिजन करके देखें कि जड़ाला के बंदा जो शरारत कर रहा है, जो शर फैला रहा है और जिसकी वजह से ये फसाद फैला, उस बच्चे के सोशल मीडिया पे अपना दुख जाहिर करने से फसाद नहीं फैला, लेकिन इस बंदे की वजह से जिसने मस्जिद में जड़ाले में ऐलान करके मुसलमानों को उकसाया और क्रिश्चियनों के खिलाफ किया और सारा मामला खराब किया और चर्चों और बाइबलों को और लोगों के घरों को जलाया गया, उस बंदे को अभी तक सजा नहीं मिलेगी। वो इसी तरह बैठा हुआ है जैसे वो उनका दामाद है और आप देखें बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे यूहन्नाबाद के मसीहों ने जब बम ब्लास्ट के बाद एहतजाज किया तो उनको पकड़ पकड़ कर कहाँ कहाँ से हर जगह से लेकर आए, उन पर इतना तशद्दुद किया, कोई माजूर हो गए, कोई मर गए और कुछ 5 साल सजा काटने के बाद उनको जो है पैसे भर के सजा के और जो नुकसान भरने के बाद उनको दिया। उसके बरक्स TLP ने इस्लामाबाद में ऐसी की तैसी कर दी, फैजाबाद के अंदर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद उनको पैसे दिए गए आप जनाब ये धरना खत्म करें और जाएं। ये देखिए ये मुआवजना मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप ये देखें कि क्या हो रहा है और हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं, हमें दहशत की और खौफ की रूह नहीं दी हुई कि हम डर जाए, हमारे साथ तो ये होना ही होना है। अफसोस ये है कि हमें ये रोने धोने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हमारे साथ ये होना है क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि जब हरे के साथ ये होगा तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं होगा। और इन वाकियात पाकिस्तान वो कंट्री जिसमें मसीहों को दुख उठाना ही उठाना है और हम उठा रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर जहां मसीह कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए वहां मसीह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेनेटर चेयरमैन UC काउंसलर जितनों को चाहिए था फौरी तौर पर इस्तीफे दे देते, इस्तीफे दे दें और कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेज हमारे जो मिशनरी है वो बंद कर दें। लेकिन ऐसा कहां करेंगे जब जिस कौम के मजहबी रहनुमा गवर्नमेंट के एजेंट हों, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं हुकूमत के गुलाम हों, तो उस कौम के खिलाफ ऐसे फैसले आते ही हैं। ये वक्त है कि हम जो है बाहर निकलें, मुत्तहिद हो जाएं और घबराना नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं हमें घबराना नहीं है, रोना नहीं है, हमें दहशत की रूह नहीं मिली और मेरा ईमान है कि ये बच्चा भी खुदा के फजल से रिहा होगा क्योंकि यीशु ने कहा अदालत में तुम नहीं खड़े होगे, बोलने वाली रूह होगी और वो खुदा इस बच्चे को भी रिहाई देगा। और जालिमों ने यह फैसला किया है, ये जज जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जियाउल्लाह के जो साहिवाल के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं उन्होंने जो फैसला कर दिया, ये फैसला तासुब परस्ती तंग नजरी और मुतासब सोच पर मबनी है, ये फैसला इंसाफ का फैसला नहीं है क्योंकि अगर इंसाफ का फैसला होता तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी इसको सजा ना मिलती और इस बच्चे का इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन ये उसको जो है ये साइबर क्राइम में जाना चाहिए था, ये इसके अंदर ये एंटी टेररिस्ट कोड में नहीं आना चाहिए था, एंटी टेररिस्ट कोड में जड़ावाला के उस बंदे का आना है जिसने मस्जिदों में ऐलान किया और आपने उन जो बंदों को क्या किया 47 बंदों को जमानतों पर भी दिया और आपने कहा ये तो फरिश्ते हैं, उनको भी छोड़ दिया, 47 सरगोदा वालों को भी छोड़ दिया वो भी, और पत्थरों को किसने किया सरगोदे के अंदर, जड़ाला के लोगों को चर्चिस को किसने जलाया, वो सब बेगुनाह हैं, लेकिन ये बच्चे ने गैरत ईमान से जब बात की तो ये शर्मपसंद हो गया। ये है आपके यहाँ शर्मपसंदी का मियार, ये है कि जो क्रिश्चियन हक की बात करे, कौमी गैरत की बात करे, वो शर्मपसंदी है और आप जो मस्जिदों से ऐलान करके लोगों को मॉब को इकट्ठा करें, उकसाएं, घरों को जलाएं, चर्चों को जलाएं, वो जो है वो अमन पसंदी है। तो मैं समझता हूँ ये दोरा मेयार नहीं होना चाहिए, मसीहो तगड़े हो जाओ, घबराओ नहीं, खुदावंद आपके साथ है।